मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया ब्यूरो के दफ्तर पर कल शाम एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। पुलिस के मुताबिक बाहर से ये ग्रेनेड दागा गया, इससे इमारत के शीशे टूट गए। हालांकि पुलिस ने इसको आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया। देर रात तक पंजाब पुलिस के आला अफसर मामले की जांच करते रहे। मोहाली से ये बड़ी खबर, खुफिया ब्यूरो के दफ्तर पर ग्रेनेड से हमला हुआ है, इमारत पर बाहर से ग्रेनेड दागा गया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इसी बड़ी खबर से जुड़ी हुई। इंटेलिजेंस दफ्तर में छोटा धमाका हुआ, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में यह धमाका हुआ है। धमाके की जांच के लिए एनआईए की टीम भी अब जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका रॉकेट जैसी चीज के टकराने के बाद हुआ है। पुलिस का कहना है कि एक छोटा धमाका था, घटना की जांच जारी है। तो दूसरी तरफ पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी धमाके की रिपोर्ट मांगी है। मोहाली में धमाके से हड़कंप, खुफिया विभाग के मुख्यालय में ब्लास्ट, क्या रॉकेट लॉन्चर से हुआ धमाका? लापरवाही या पंजाब को दहलाने की साजिश? सवाल है कि पंजाब का अमन चैन कौन बिगाड़ना चाहता है। बताया जा रहा है कि मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय में शाम 7:45 पर धमाका हुआ। मंजिल पर हुए धमाके से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। खबर है कि जिस चीज से धमाका हुआ उसे रॉकेट प्रोपेलेट ग्रेनेड यानी RPG कहा जाता है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। हैरानी की बात है कि जिस खुफिया विभाग पर पूरे सूबे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसे ही इतनी आसानी से कैसे निशाना बना लिया गया। शुरुआत में इस धमाके को आतंकी घटना बताया जा रहा था, हालांकि पंजाब पुलिस ने आतंकी घटना होने से इनकार कर दिया। धमाके के बाद सीएम भगवंत मान ने घटना की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। धमाके के बाद आनन फानन में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मीडिया को भी दफ्तर से दूर रोक दिया गया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। देखो यार, माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ, वो धमाका था माइनर। ब्लास्ट बाहर से था? ब्लास्ट बाहर से था। नहीं तो क्या आरपीजी की तरह गन टाइप से फायर किया गया? और किसने फायर किया? वो सारी तब्दील चल रही है, किसने फायर किया इग्नोर नहीं किया जा सकता। गनीमत रही कि बिल्डिंग के आसपास रिहायशी इलाके नहीं है। अब पंजाब पुलिस एक और कड़ी जोड़ रही है। एक दिन पहले ही तरन तारण में 1.5 किलो RDX और दूसरी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस पता कर रही है कि कहीं खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाके का तरन तारण RDX से कोई कनेक्शन तो नहीं। भले ही धमाका छोटा था, लेकिन खुफिया एजेंसियां धमाके को हल्के में नहीं ले रही है। धमाके पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, पंजाब पुलिस धमाके का बार बार अलग अलग टाइम बता रही है। पहले 7:30 धमाके की खबर आई, फिर 7:45 की। कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे पहला सवाल, खुफिया विभाग के दफ्तर में धमाका कैसे हुआ? दूसरा सवाल, ये कोई हमला है या फिर कोई चूक? तीसरा सवाल, अगर ये धमाका छोटा है तो क्या साजिश बड़ी है? फिलहाल धमाके की जांच जारी है, लेकिन पंजाब और देश की सुरक्षा के लिए इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है। ललित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।